ये जो दालचीनी है ना, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें अल्लाह पाक ने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के मुतल्लक, बहुत ज़्यादा अमराज के मुतल्लक शिफा रखी है। मैं आज आपको ना स्पेसिफिक दालचीनी के मुतल्लक, दालचीनी के फ़वाद के मुतल्लक बताऊंगा। ये मेरी जो वीडियो है ना, ये आपके बहुत काम आएगी। आप इसको ना एक टोटके के तौर पर अपने पास महफूज रख लेना, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। हकीम मोहम्मद अहमद फाजिल वलजरात आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, एक एक चीज़ में, जड़ी बूटियों में से एक एक चीज़ का अपना फ़ायदा होता है, इनके मुरक्कबात का अपना फ़ायदा होता है। इन चीज़ों को अगर मिला कर रखें तो इसका अपना ही एक अलग मिजाज बनता है। अगर अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करें, इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करें, तो इनका अपना एक अलग मिजाज होता है। तो इनके फ़वाद भी इसी तरह अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह मैंने सोचा कि आपको जब, जैसे मैं मुरक्कबात के मुतल्लक बताता रहता हूँ, मुरक्कबात के फ़वाद के मुतल्लक बताता हूँ, उसका याद बताता हूँ, ऐसे ही मैं एक एक चीज़ के मुतल्लक भी आपको बताया करूं। तो अगर आपके घर में दालचीनी पड़ी है, आपके घर में किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर लो का मसला बन गया, आपके घर में ब्लड प्रेशर लो के साथ कोई मरीज़ गिर गया है, या कोई ऐसी सूरत बन चुकी है कि उसमें ब्लड प्रेशर लो होने का मसला है, उसमें आपने बग़ैर कोई चीज़ बात सोचे समझे आपने ना इस दालचीनी के इतने से टुकड़े का कहवा जो है ना, उस मरीज़ को पिला देना है। आधा कप कहवा आपने मरीज़ को पिला देना। अगर मरीज़ की उम्र 20-25 साल से ज़्यादा या इतनी है या ज़्यादा है, तो इतनी दालचीनी का एक आधा कप आपने उसको पिला देना। अगर मर्ज़ की में अगर ब्लड प्रेशर लो होने की वजह होगी तो इससे इसका फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर, अगर मरीज़ का जो है मैदा सही तौर पर वर्क नहीं कर रहा और वह हिसाबी तौर पर बिल्कुल सुस्त हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, वो समझता है कि उसको उठने बैठने में, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, और उसका ब्लड प्रेशर तेज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर हाई नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का आदमी है और वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं। इसको आपने जितना मैंने आपको पहले बताया, इतने टुकड़े का एक कहवा आपने उसको पिला देना है। तो वो भी अगर एसाबी कमज़ोरी का मरीज़ है तो वक्ती तौर पर उसको उसके अंदर जो है करंट बहाल हो जाएगा, जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को महसूस करेगा कि वो बिल्कुल चुस्त व तवाना हो गया और वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, और मैदा उसका जो सुस्त हो चुका होगा इसके इस्तेमाल से, इसके कहवे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पर, अगर कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, खून उसका किसी मरीज़ का गाढ़ा हो चुका है और गाढ़े खून की वजह से उसके हाथ पाँव सुन्न हो चुके हैं, उनके जो है बदन में जो है बिल्कुल सर्दी सी महसूस हो रही है, तो उस सूरत में भी आप इसको, इसका जो कहवा है जितना मैंने आपको बताया, इसका कहवा आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे तो एक एक चीज़ के हज़ारों फ़ायदे हैं, मैंने आज की वीडियो के लिए आपको इसके ये 2-3 फ़ायदे बताए हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर इसके फ़ायदों के मुतल्लक बताया जाए तो मैं पूरा दिन भी बताता रहूँ तो ये ख़त्म, ये मौजू ख़त्म नहीं होगा। तो इसको संभाल कर रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके घर में आपके किसी भी मरीज़ के, किसी भी मरीज़ को किसी भी वक्त काम आ सकती है। तो इसके साथ हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।